29 जनवरी यानी रविवार को देश के गृह मंत्री अमित शाह भूपेंद्र हुड्डा के गढ़ में होने वाली रैली में आएंगे। मान सकते हैं कि बीजेपी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के इम्पैक्ट को कम करने की कोशिश में जुट गई है और इसलिए ही माना जा रहा है कि अमित शाह की रैली भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गढ़ में कराई जा रही है। हालांकि बीजेपी नेता ये जानते हैं कि आने वाला चुनाव भूपेंद्र सिंह हुड्डा के दमखम पर होगा या फिर ये कह ले कि ये चुनाव हुड्डा परिवार पर ही केंद्रित रहने वाला है। तो जहां जहां से राहुल गांधी की यात्रा गुजरी या फिर ये कह ले कि जहां से कांग्रेस ने अपनी मजबूती पक्की की है वहां बीजेपी सेंध लगानी जरूरी समझ रही है और इसलिए बीजेपी के लिए जीटी रोड और उत्तर हरियाणा में पकड़ बनानी बेहद जरूरी मानी जा रही है। कांग्रेस बीजेपी की इस ताकत को अपनी ओर लाना चाहती थी तो इसलिए ही राहुल गांधी की यात्रा इसी बेल्ट से गुजरी। तो बीजेपी के लिए यहां फिर से अपनी मजबूती बरकरार रखना एक नया चैलेंज माना जा रहा है। भूपेंद्र हुड्डा को उनके गढ़ में घेरना बीजेपी के लिए आसान बात तो नहीं होगी लेकिन इसके लिए राज्य भाजपा ने बड़े पैमाने पर तैयारी कर ली है। अमित शाह हरियाणा में 2 दिन रुकेंगे, वे बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग करेंगे और 2024 यानी के आने वाले चुनाव की तैयारियों की रणनीति पर भी बात करेंगे। आपको बता दें कि गोहाना के नजदीक भूपेंद्र हुड्डा का पैतृक गांव और इसलिए ये एरिया भूपेंद्र हुड्डा का सबसे मजबूत गढ़ रहा है और गोहाना तहसील सोनीपत लोकसभा का ही हिस्सा है। इस क्षेत्र में करीब 15 लाख मतदाता है और जिनमें 5.25 लाख जाट वोटर है। इस लोकसभा सीट से अब तक हुए कुल 11 बार चुनाव में 9 बार जाट उम्मीदवार की ही जीत हुई है। अब शाह एक और राहुल गांधी की यात्रा के इंपैक्ट को कम करने के लिए भूपेंद्र हुड्डा के गढ़ में उतर रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर नजरें टिकी हुई है कि क्या हुड्डा के गढ़ में उनके ही खिलाफ उनके ही राजनीतिक विरोधी हुंकार भरने में कामयाब हो पाएंगे, क्या हुड्डा को उनके गढ़ में बीजेपी घेर पाएगी। देखना यह भी होगा कि गोहाना की धरती से अमित शाह क्या शंखनाद करते हैं। हालांकि इस दौरान गन्ना किसान भी जमकर विरोध कर रहे हैं। बता दें गोहाना के आसपास के तमाम गांवों के किसानों ने अमित शाह की रैली के दौरान विरोध जताने की बात कही है। अब देखना होगा किसानों के विरोध के बीच भूपेंद्र हुड्डा के गढ़ में शाह की ललकार क्या कमाल करती है। आपका अमित शाह की इस रैली बाबत क्या सोचना है, राय जरूर रखें। जोगरदे की खबरों के लिए बने रहिए हरियाणा तक के साथ।